कोसी कला के गांव कोटवन में संचालित कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस का आयोजन किया गया। ये आयोजन वन विभाग के द्वारा किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मथुरा जिले के फॉरेस्ट ऑफिसर अरविंद कुमार रहे। जैव विविधता दिवस के मौके पर कस्तूरबा बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं से पशु पक्षियों की आर्ट प्रतियोगिता भी कराई गई। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कार वितरण भी किया गया। इस दौरान विद्यालय की वार्डन रंजना चतुर्वेदी, समुराय एकेडमी की संचालिका रुचि चौधरी, वन क्षेत्राधिकारी मेघराज शर्मा, वन उप निरीक्षक महेंद्र कुमार समेत विद्यालय की अध्यापिका भी मौजूद रही। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को पशु पक्षियों के जीवन उपयोगी और उपयोग में आने वाले बातों के बारे में बताया गया। ये 22 मई का इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गवर्नमेंट स्तर से निर्देश हुए थे कि ये किसी स्कूल में मनाया जाए, ऐसे स्कूल तो ज़्यादातर बंद है। यहाँ पर आग्रह किया गया था तो हम लोगों ने स्वीकार किया। बहुत अच्छा सहयोग कस्तूरबा विद्यालय का रहता है और हम लोगों ने मनाया, पूरा सहयोग रहा। यहाँ बैंक प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ और बच्चों ने अपने विचार भी व्यक्त किए जैव विविधता के विषय में, और ड्राइंग जो उन्होंने किया है उस पर भी उन्होंने अपना बताया है, क्या भाव रखते हैं वो चित्रकला के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया। इसका मैं तो क्या सोचता हूँ, जैव विविधता दिवस का क्या महत्व है? जैव विविधता का महत्व है कि सैकड़ों सालों से जो जीव जंतु जो भी हैं वो एक पारिस्थितिकी में रहते हैं, तो उनकी पारिस्थितिकी अनुकूल होना चाहिए, जिससे सभी सब एक दूसरे पर आधारित है। जैसे चीता हमारा खत्म हो गया, इंडिया में है ही नहीं, बहुत कम जगह बचा, और करोड़ों साल पहले डायनासोर था वो चला गया। तो आगे आने वाले समय में मानव जाति सभ्यता में उसकी सभ्यता ही खतरे में आ जाएगी। इस वजह से ये किया जाता है, सबका ख्याल सबका ध्यान रखना चाहिए जीव जंतु।